पटना महिला मोर्चा की अध्यक्षा व गंगा सुहाए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर कविता गुप्ता का बयान 22 नवंबर को नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का होगा रेवाड़ी में भव्य स्वागत। स्वागत में महिला मोर्चा की होगी अहम भागीदारी। केंद्र सरकार के चुनाव में महिलाओं की होगी विशेष भागीदारी। महिला मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर की नीतियों को पहुंचाएंगी घर घर। केंद्र व प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सोने पर सुहागा। भाजपा की नीतियों में विश्वास रखने वाली महिलाओं को जोड़ा जाएगा संगठन से। भाजपा जिला कार्यालय रेवाड़ी में भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्षा डॉ. कविता गुप्ता की अध्यक्षता में मोर्चा के कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें मुख्य प्रवक्ता प्रदेश अध्यक्ष सुनीता दांगी रही। महिला मोर्चा जिला की पूरी टीम ने एवं प्रदेश पदाधिकारी ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से एवं दुपट्टा पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया। बैठक में जिला अध्यक्ष भाजपा प्रीतम चौहान ने सभी बहनों को अपने आशीर्वचन प्रदान किया एवं आने वाली 22 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी हरियाणा नायब सैनी के रेवाड़ी आगमन पर होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी एवं हर्षोल्लास के साथ प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत का आह्वान किया। बैठक में प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष श्रीमती सरोज यादव, रेवाड़ी जिला प्रभारी श्रीमती सरला यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती नीतू चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती सुनीता गुड़ियान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृपा जैमिनी, भाजपा की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री एवं विशेष आमंत्रित सदस्य श्रीमती दीपा भारद्वाज, विशेष आमंत्रित सदस्य श्रीमती पुष्पा मुद्गल एवं समस्त जिला पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। प्रधान जी, महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, अन्य चुनाव आने वाले हैं, तो क्या भूमिका रहेगी महिलाओं की? देखिए, महिलाएं तत्पर हैं, हर कोशिश के लिए तैयार हैं वो, और बढ़ चढ़ के पहले के मुकाबले और ज़्यादा करेंगी। और घर हो चाहे देश हो चाहे समाज हो, महिलाओं का योगदान सबसे महत्व माना जाता है और इसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी इनको मोहर लगा दी है और कहा है कि जो एक्टिव है, जो काम कर रही हैं और उन सबको देखते हुए कि वो 33% आरक्षण के लिए सारी महिलाएँ तैयार हैं। भाजपा कहती है कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ भाजपा में है, तो क्या अन्य पार्टियां इसकी अनदेखी कर रही हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाजपा में ही जहां मान सम्मान महिलाओं को मिलता है वो किसी पार्टी में नहीं है, क्योंकि यहां बिना रोक टोक हमारी सारी बहनें आ सकती हैं, जा सकती हैं, कोई इसमें मतलब भेदभावना नहीं होती है, क्योंकि बाकी पार्टी में नहीं देखा जाता है। थैंक यू। प्रधान जी, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, महिलाएँ बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, तो आप महिलाओं को किस भूमिका में देख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में महिलाएं अपनी क्या भूमिका निभाएगी? देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं, अनेकों कार्य किए हैं, उनको आगे लाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए, तो महिला शक्ति क्यों ना उनको प्रयत्नशील करेगी और उनको आगे लाने का काम करेगी। और रेवाड़ी महिला मोर्चा पूरे दमखम के साथ 100% महिला है जो पूरा अपना योगदान भारतीय जनता पार्टी को देंगी। इसी विश्वास के साथ हमारा बहुत ही, हमारी बहन कविता गुप्ता जी ने अच्छा संगठन यहाँ से रेवाड़ी का स्थापित किया है और पूरा सहयोग हमारी पुरानी बहनों का और नई बहनों का, सभी का इनके साथ सहयोग है और अच्छे से दमखम से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरे बहुमत से लाने का प्रयास करेंगे और महिलाएं पूरा योगदान अब के चुनाव 2024 में देने वाली है। थैंक यू। डॉक्टर, आज प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा आई है, क्या था पूरा कार्यक्रम? आज हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्षा जी महिला मोर्चा श्रीमती सुनीता दांगी जी हमें नई जिला की टीम बनाने के लिए आशीर्वाद प्रदत्त करने के लिए आई थी और हम सब ने आज उनका स्वागत सम्मान का एक कार्यक्रम किया था। एवं इसके अलावा हमारी बहन जी ने आज हमें प्रदेश से संबंधित बहुत सारी जो भाजपा की रीति नीति से संबंधित जानकारियां हैं वो समझाई और आगामी 22 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री नायब सैनी जी रेवाड़ी के आगमन पर हमने किस तरह से उनका स्वागत सम्मान करना है, किस तरह से कार्यक्रम की व्यवस्थाएं करनी है, क्योंकि आज के समय में मुख्य दारोमदार महिला मोर्चा का माना जाता है, महिलाओं का एक विशिष्ट रोल रहता है। तो बहन जी ने हमें अपनी आत्मशक्ति से
ज्ञात करवाया कि ये कार्यक्रम हमने बहुत जोर शोर से करना है, उसकी तैयारी से संबंधित जानकारियाँ दी। इसकी तैयारी के लिए ही आज ये बैठक की गई थी। महिला मोर्चा का गठन आप कर रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए और किस रूपरेखा के साथ करेंगे? महिला मोर्चा की जिला टीम का गठन हो चुका है रेवाड़ी जिला की, एवं मैं विशेष तौर पे कुछ बिंदुओं को अपने संज्ञान में रखते हुए कार्यक्रम कर रही हूँ। पहली चीज़ तो अतिशयोक्ति से हमें बचना है। दूसरी, भाजपा की रीति नीति संगठन में विश्वास रखने वाले जो हमारे महिला पदाधिकारी हैं उनको हम विशेष तौर पर ले रहे हैं, और ऐसी अनेकानेक हैं, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनके कितने सारे कार्य ऐसे हैं हमारे केंद्र सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने विशेष तौर पर महिलाओं के लिए अनेकानेक कार्य किए हैं, अनेकानेक योजनाएं दी हैं, और जिनके चलते हर महिला अब एक ही बात कहती है कि सरकार भाजपा सरकार महिला सरकार। और हम महिलाओं के लिए आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा था जितना कि इस भाजपा सरकार ने सोचा है, और 33% आरक्षण तो इस पर सोने पे सुहागा है। तो इन सब बातों को, इन सब बिंदुओं को मैं ध्यान में रखते हुए अपनी भाजपा महिला मोर्चा को और सशक्त तरीके से आगे बढ़ा रही हूँ, साथ लेकर चल रही हूँ कि आने वाले 24 के चुनाव में हम महिलाओं की भागीदारी इतनी ज़्यादा हो कि केंद्र सरकार भी ये कहे कि महिलाओं के ऊपर जो हमने विश्वास किया था, जो हमने आशीर्वाद दिया था, वो उसके योग्य थी।